आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये बता रहा है फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम्स। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉग का जो हार्ट रीजन होता है वो कंटिन्यू बीट करता रहता है आफ्टर सम टाइम, अगर उसको बाहर भी निकाला जाए तो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस ऑर्गन की जो बताया गया है हार्ट का, अब ये बात करी जाए फ्रॉग के अंदर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है हार्ट के रीजन्स की वो भी सेम होती है, सेम एज द डिफरेंट अदर इनवर्टिब्रेट्स और हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्योंकि हार्ट की जो एक्टिविटी है ये पंपिंग नेचर ये शो करती है इसके ब्लड रेंज को लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ही पंप होता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये एक तरीके से पैसेज है और साइट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का विद द रिप्लेसमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर बात करी जाए तो CO2 एंड O2 का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन जो करता है और उसकी जो पंपिंग एक्टिविटीज है उसको मेंटेन करता है हार्ट का रोल। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए फ्रॉग के अंदर तो हम बोल सकते हैं इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो शो करती है डिफरेंट रोल में। और अगर गिवन स्टेटमेंट्स में बात करें हम तो पहला वाला जो है वो बता रहा है फ्रॉग इज़ अ पोइकिलोथर्म। तो यस हम बोल सकते हैं फ्रॉग हार्ट जो होता है यहाँ पे वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हम बोल सकते हैं उसकी एक्टिविटीज़ और उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, एंड हम बोल सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल मोड में वो रहता है। ऑटो एक्साइटेबल अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये शो कर रहा है उसके पंपिंग नेचर को। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं फॉर द पंपिंग और फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्योर विद द इम्प्योर ब्लड। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इस कंडीशन के अंदर जो कंट्रैक्शन होता है हार्ट का वो ओरिजिनेट होता है यहाँ पे प्रेजेंट कार्डिक मसल से। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं हार्ट में पंपिंग एक्टिविटी कंसिस्ट होगी और ये पंपिंग एक्टिविटीज जो होती है मसल कंट्रैक्शन भी शो करती है, और ये मसल कंट्रैक्शंस हार्ट का रीजन परफॉर्म करता है फ्रॉग के अंदर। अब ये मसल्स की बात करी गई है यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे बात करी थी ब्लड की जो रिलीज होता है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस फॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की, ये शो कर रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ब्लड के कंपोनेंट्स के, और ये एक इलेक्ट्रिकल हम बोल सकते हैं केमिकल के थ्रू जनरेट होता हुआ रिएक्शन है जो परफॉर्म करता है डिफरेंट रोल्स में फॉर द मसल एक्टिविटी, जिससे इनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहता है और ये कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू फॉर्म में मूव होता रहता है जब अगर हम बात करें हार्ट को आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकालने के बाद भी। और इसी रीजन से हम बोल सकते हैं हार्ट रीजन जो है वो कंटिन्यू बीट करता है जब उसे फ्रॉग के बॉडी से बाहर निकाला गया हो। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है ये एक इनकरेक्ट होगा। बात करी जाए अगर थर्ड वाले पे तो हम बोलेंगे कि हार्ट जो एक ऑटो एक्साइटेबल मोड पे रहता है, वेयर एज फोर्थ यहाँ पे जो बता रहा है वो शो कर रहा है इसके इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज को लेते हुए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो करेक्ट सीरीज होगी इसमें क्वेश्चन में तो वो होगी ऑप्शन डी की जो बता रहा है थर्ड एंड फोर्थ। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।